दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं जमात तलबा के लिए एक अहम खबर, 2 से 3 दिन में सब्जेक्ट वाइज डेट शीट रिलीज किया जाएगा। जी हाँ नाजरीन, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बोस इस हफ्ते 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहान के लिए सब्जेक्ट वाइज डेट शीट रिलीज करेगा। ऑफिशियल्स के मुताबिक कुछ एंट्रेंस टेस्ट्स और जॉब इंटरव्यूज का इंतजार कर रहा था ताकि वो जम्मू कश्मीर में इम्तिहान का अमल यानी जो एग्जाम का प्रोसेस है वो स्टार्ट करे। ताहम 4 मार्च से इम्तिहान का आगाज होगा क्योंकि तीनों क्लासेस की जो डेट शीट है वो ऑलरेडी फाइनलाइज किए गए हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि कुछ डिपार्टमेंट में एंट्रेंस टेस्ट थे या होने वाले हैं जिसकी वजह से उनको कुछ चेंज लानी पड़ी, कुछ तब्दीलियां करनी पड़ी और इसी वजह से टेंटेटिवली तीनों क्लासेस के लिए 4, 5, 6 मार्च से उनके इम्तिहान शुरू होंगे। ऑफिशियल्स का कहना है कि 2 से 3 दिन में सब्जेक्ट वाइज जो डेट शीट है वो रिलीज किया जाएगा। और अगर हम इंतजामात के हवाले से बात करें, इंतजामात को ऑलमोस्ट हतमी शक्ल दे दी गई है। इंतजामात तो वही है लेकिन इस बार हीटिंग अरेंजमेंट के मुनासिब जो इंतजामात है उनको लाजमी करार दिया गया है क्योंकि हम सब जानते हैं कि वादी कश्मीर में अभी भी ठंड अपनी जगह बरकरार है। नाजरीन वाजह रहे कि 1985 में भी पहले मार्च सेशन हुआ था जिसको एक साल के बाद ही वापस अक्टूबर नवंबर में तब्दील कर दिया गया था। गुज़िश्ता साल अगस्त में हुकूमत ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP के मुताबिक तालीमी सेशन को मार्च में मुंतकिल कर दिया था। गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके जिनके लिए मार्च में एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है, जम्मू के कुछ ऐसे इलाके हैं और कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके लिए अभी एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है, उनका जो इम्तिहान है वो ताखिर हो गया है और अप्रैल के दूसरे हफ्ते में तजवीज करदा कैलेंडर के मुताबिक इनकार किया जाएगा ताकि ये इलाके मुकम्मल तौर पर उस टाइम एक्सेसिबल हो और जो स्टेशनरी वगैरह है, कॉन्फिडेंशियल मटेरियल एग्जाम के लिए होता है, वो उनको आराम से फराहम हो सके। लेकिन याद रहे, इम्तिहान तो अलग होंगे लेकिन जब नतीज की बात आती है, रिजल्ट्स की बात आती है, तो उनके रिजल्ट्स एक साथ ऐलान किए जाएंगे। जो अभी एग्जाम होंगे और जो जिन इलाकों के अलग से हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स एक साथ ऐलान किए जाएंगे क्योंकि ऑफिशियल्स के मुताबिक इन इलाकों के जो तलबा है उनकी कुल तादाद तकरीबन 10 से 12% से ज्यादा नहीं है, इसीलिए उनके जो आंसर पेपर्स होंगे वो कम होंगे जिसकी वजह से उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चेक करने में, इसीलिए उनके रिजल्ट्स और इस वाले एग्जाम के रिजल्ट्स एक साथ अनाउंस किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक जो तलबा 10वीं और 11वीं जमात के इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं, इम्तिहान खत्म होने के बाद ही उनको 11वीं और 12वीं जमात में दाखिला दिया जाएगा। यानी जो 10th क्लास के बच्चे हैं, तलबा है, उनको 11वीं क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, दाखिला दिया जाएगा और जो 11वीं के हैं उनको 12वीं क्लास में दाखिला दिया जाएगा एग्जाम के बाद ही। ऑर्डर के मुताबिक अगर रिजल्ट में तलबा नाकाम हुए, क्लास 11th और जो 12th है जिसमें उन्होंने दाखिला लिया होगा वो अपनी तालीम जारी रख सकते हैं जब तक बाई एनुअल और एनुअल प्राइवेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट नहीं आते। और हाँ, अगर वो उस रिजल्ट में भी नाकाम होते हैं, अल्लाह ना करे अगर उसमें भी वो नाकाम होते हैं, तो उनका जो दाखिला है, उनका जो एडमिशन है वो मंसूख कर दिया जाएगा यानी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो 11th, 12th और 10th क्लास के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ।